वेलकम स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से हैं। हमारे आज के सेशन का टॉपिक है जेनेटिक मॉडिफिकेशन, यानी आज के सेशन के अंदर हम पढ़ेंगे जीन्स या जेनेटिक मॉडिफिकेशन के बारे में। जेनेटिक मॉडिफिकेशन क्या होती है, जेनेटिक मॉडिफिकेशन से हमें क्या फ़ायदा हो सकता है, ह्यूमन वेलफेयर के लिए किस तरह से हेल्पफुल है जेनेटिक मॉडिफिकेशन, तो आज के सेशन में हम इस पर बात करेंगे। तो जेनेटिक मॉडिफिकेशन या जीन्स की मॉडिफिकेशन का मतलब ये आता है कि जो नेचुरल जीन्स हैं यानी जो नेचुरल ट्रेट्स हैं उसमें तब्दीली ना आना। मिसाल के तौर पर अगर हम बैक्टीरिया की मिसाल लें तो बैक्टीरिया के अंदर कुछ चीज़ें नेचुरली या कुछ ट्रेट्स नेचुरली मौजूद होते हैं। अगर बायोटेक्नोलॉजिस्ट अपने फ़ायदे के लिए या ह्यूमन वेलफेयर के लिए उस जीन्स को तब्दील करते हैं या किसी दूसरी जीन से रिप्लेस करते हैं या उस जीन्स को हटा देते हैं तो उसे हम कहते हैं जेनेटिक मॉडिफिकेशन, यानी उसके नेचुरल ट्रेट्स को हमने कस्टमाइज़ कर दिया अपने मफाद के लिए, अपने मकसद के लिए, तो उसे इस प्रोसेस को हम जेनेटिक मॉडिफिकेशन का नाम देते हैं। देयर आर मोर देन 4000 बैक्टीरिया या जिसे हम कहेंगे कि जिसको हम जेनेटिक मॉडिफिकेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। एक बहुत फेमस बैक्टीरिया है ई कोलाई। बैक्टीरिया है जो इस्तेमाल होता है ह्यूमन वेलफेयर के लिए, जिसकी जेनेटिक मॉडिफिकेशन की जाती है ताकि ये ह्यूमन को फ़ायदा पहुंचा सके। और जेनेटिक मॉडिफिकेशन के लिए क्या किया जाता है कि बैक्टीरिया, कोई से भी बैक्टीरिया जो समझा जाता है कि ये बेहतर साबित हो सकता है प्रोसीजर के लिए, तो उस बैक्टीरिया को लिया। उस बैक्टीरिया का जो DNA मौजूद है, ये जो मैंने लाइनें ड्रॉ करी है क्योंकि न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन के बाहर मौजूद है DNA, तो ये एक DNA न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के अंदर होता है और एक DNA न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाहर मौजूद है हमारे पास DNA। तो DNA में से हमने एक जीन्स को सेपरेट किया, उसके जेनेटिक मटेरियल में से जीन्स को एक सेपरेट किया और उसकी जगह हमने अपने डिज़ायर्ड जीन्स लगा दी। यानी कुछ ऐसा समझिए कि हमने कट पेस्ट वाला सिस्टम करा, हमने उसमें से एक अनवांटेड जीन्स को कट करा और अपनी डिज़ायर जीन्स पेस्ट कर दी। अब बैक्टीरिया लेने का रीज़न क्या होता है, क्यों बैक्टीरिया लेते हैं, कोई और चीज़ क्यों नहीं, कोई और माइक्रो ऑर्गेनिज्म या कुछ और क्यों नहीं? तो बैक्टीरिया लेने की वजह ये होती है कि ये बहुत ज़्यादा जल्दी ग्रोथ करते हैं। ग्रोथ जब जल्दी करते हैं अगर उन्हें सफिशेंट अमाउंट ऑफ फूड और सफिशेंट अमाउंट ऑफ टेम्परेचर मिलेगा, फूड और टेम्परेचर उनके ऑप्टिमम होगा, तो ये बहुत बेहतर तरीके से और बहुत जल्दी ग्रोथ करते हैं और हमें कम वक्त के अंदर लार्ज क्वांटिटी में मेडिसिन मैसर हो सकती हैं। ये मेडिकल की फील्ड के अंदर एक समझ लीजिए रेवोल्यूशन का काम करता था जब भी ये जेनेटिक मॉडिफिकेशन का प्रोसेस आया है। तो होता क्या है कि एक जीन्स को यहाँ से कट किया और अपने डिज़ायर्ड जीन्स को यहाँ पर पेस्ट कर दिया। इसकी ज़िंदा मिसाल अगर हम बात करें कि ये जेनेटिक मॉडिफिकेशन हमारी डेली लाइफ में कहाँ इस्तेमाल होती है, तो ये डेली लाइफ में इस्तेमाल होती है इंसुलिन इंजेक्शंस की फॉर्म में। इंसुलिन इंजेक्शंस की फॉर्म में ये इस्तेमाल होती है। अभी इंसुलिन इंजेक्शंस क्या है, इंसुलिन की अगर हम बात कर रहे हैं तो इंसुलिन ह्यूमन बॉडी का एक हार्मोन है। हार्मोन्स क्या होते हैं भाई, हार्मोन्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो बॉडी के अंदर केमिकल बैलेंस क्रिएट करने में हेल्प करते हैं। बेसिकली ये एक तरह के रिस्पॉन्सेज होते हैं हार्मोन्स किसी ना किसी केमिकल बैलेंस को क्रिएट करने के लिए। तो ये इंसुलिन हार्मोन्स है जो हमारी बॉडी में हमारी बॉडी के अंदर ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करता है। यानी एक ख़ास किस्म का लेवल होना चाहिए शुगर का हमारी बॉडी के अंदर या ब्लड के अंदर, जिसको मेंटेन करने का काम इंसुलिन का है। इंसुलिन पैनक्रियाज में पाया जाता है। होता क्या है, जिन पेशेंट्स को ये इंसुलिन इंजेक्शन लगता है या जो पेशेंट्स इंसुलिन इंजेक्शन इस्तेमाल करते हैं उनकी बॉडी में इंसुलिन प्रोड्यूस करने की जो कुव्वत होती है वो ख़त्म होती चली जाती है या बहुत मिनिमम अमाउंट में प्रोड्यूस हो रहा है इंसुलिन, इतनी हाई अमाउंट में इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं हो पा रहा है। कोई ना कोई रीज़न हो सकता है, पैनक्रियाज सही से काम नहीं कर रहा है, क्या प्रॉब्लम है, तो किसी न किसी रीजंस की वजह से, वो रीज़न आज का हमारा टॉपिक नहीं है इसीलिए हम उस पर नहीं जाएंगे, तो कोई ना कोई रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से प्रॉपर तरीके से इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं हो पा रहा है।
तो उसके लिए ये क्या किया जाता है, इंसुलिन इंजेक्शन बाहर से जो है ना इनटेक किए जाते हैं ताकि हमारी बॉडी में ब्लड शुगर लेवल हो। इंसुलिन क्या करता है, स्टिमुलेट करता है, जब भी ब्लड शुगर लेवल हाई होता है तो लीवर को स्टिमुलेट करता है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट किया जाए। ग्लाइकोजन बेसिकली स्टोर्ड बैटरी की तरह होते हैं कि जो नेक्स्ट के लिए आगे आने वाले वक्तों के लिए अगर हमें एनर्जी की ज़रूरत हो तो वो हमें, क्योंकि हम हर वक्त फूड इनटेक नहीं कर रहे होते, हर वक्त शुगर इनटेक नहीं कर रहे होते, इसीलिए स्टोरेज हमारी बॉडी में मौजूद होता है कि जो एक्स्ट्रा को स्टोर करके लीवर के अंदर रख देता है ग्लाइकोजन की फॉर्म के अंदर, और फिर वो फ्यूचर यूज़ के लिए हमारे काम आता है। तो इंसुलिन इंजेक्शन, अच्छा अगर कोई पेशेंट इसमें बहुत लास्ट लेवल पर पहुंच जाए या बहुत इसको हम कहते हैं हाई लेवल पर पहुंच जाए तो उसे हम कहते हैं डायबिटिक पेशेंट। डायबिटिक पेशेंट होता है वो जिसको हम डायबिटीज़ का भी नाम देते हैं, जिस मर्ज को, या हम अक्सर हमने बहुत कॉमनली सुना होगा कि भाई इसको शुगर है, वो शुगर है या डायबिटिक है, डायबिटिक पेशेंट है तो उसकी बॉडी के अंदर इंसुलिन प्रोडक्शन की कमी है, ये हार्मोन पैदा नहीं हो पा रहा जिसकी वजह से वो डायबिटीज़ का शिकार हो गया। तो अब होता यह कि किसी एक बैक्टीरिया को ले लिया जाता है, ज़्यादातर इकोलाई मैंने आपसे कहा यूज़ होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि इंसुलिन में भी इस्तेमाल हो। तो होता क्या है कि उसमें से एक जीन्स एक्सट्रैक्ट कर ली जाती है और इंसुलिन प्रोड्यूस करने की जो ह्यूमन जीन्स है वो उसमें इंसर्ट कर दी जाती है। मैंने आपको बताया ना कट पेस्ट वाला सिस्टम होता है, जीन्स कट करी और डिज़ायर्ड जीन्स को पेस्ट कर दिया, सही है। डिज़ायर्ड जीन्स पेस्ट होने के बाद उसको लार्ज अमाउंट में उसकी प्रोडक्शन स्टार्ट हो गई व्हेन ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड फूड इज़ गिवन। जब उसको फूड ऑप्टिमम और टेम्परेचर ऑप्टिमम मिलेगा तो ही वो एक अच्छी अमाउंट में ग्रो कर पाएगा। अब वो ग्रो कर रहा है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में हो गया, अब ये पड़ता है इनएक्सपेंसिव, यानी अगर हम कॉस्ट के हिसाब से बात करें तो बड़ा सस्ता पड़ता है, क्योंकि बैक्टीरियाज हैं ना, इतना एफर्ट लगा ना इतना पैसा लगा, और ये बहुत सस्ते और बहुत कॉस्ट इफेक्टिव वे में प्रोड्यूस हो जाता है और पेशेंट्स तक बहुत कम दामों में पहुँच रहा होता है और ह्यूमन इससे फ़ायदा उठा रहे होते हैं। तो कितना अच्छा एक तरीका है लोगों को वेलफेयर करने का, कितना अच्छा मेथड है ताकि ज़िंदगी लोगों की बचाई जा सके और बेहतर से बेहतर ज़िंदगी उन लोगों के लिए बनाई जा सके जो किसी न किसी वजह से इस बीमारी का शिकार है। तो एक जल्दी से रिव्यू, क्विक रिव्यू लेते हैं हमारे आज के सेशन का, देखते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। तो आज के सेशन में हमने बात करी जेनेटिक मॉडिफिकेशन की। जेनेटिक मॉडिफिकेशन क्या है भाई? जेनेटिक मॉडिफिकेशन का मतलब ये है कि किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या किसी भी ऑर्गेनिज्म में से जीन्स को हटा देना, अनवांटेड जीन्स को, और अपनी डिज़ायर्ड जीन्स को वहाँ पेस्ट कर देना। फिर उसके बाद हमने बात करी कि ह्यूमंस बैक्टीरिया और माइक्रोब्स को यूज़ करते हैं इस प्रोसीजर के लिए ताकि ये ह्यूमंस को फ़ायदा पहुँचा सके। अच्छा, ह्यूमंस को फ़ायदा पहुँचा सके, फिर हमने क्या बात करी, इसकी ज़िंदा मिसाल क्या है, हमारे पास इंसुलिन इंजेक्शंस। इंसुलिन इंजेक्शंस क्या है भाई, कहाँ इस्तेमाल होते हैं? तो ये इंसुलिन एक तरह का हार्मोन है जो बॉडी में ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करता है। अगर ये कम हो जाता है तो वो पेशेंट को हम कहते हैं कि वो पेशेंट डायबिटीज़ उसको हो गया है, या ही और शी इज़ सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज़। तो डायबिटीज़ के अंदर पेशेंट्स को इंजेक्शंस भी लगते हैं, मेडिसिन भी दी जाती है। फिर उसके बाद हमने बात करी कि इंसुलिन कम होने की वजह से क्या होता है कि ब्लड शुगर लेवल आपका हाई हो जाता है और फिर इंसुलिन बैक्टीरिया के ज़रिए बॉडी में ट्रांसफ़र किया जाता है। तो आज के सेशन के लिए इतना ही, मैं उम्मीद करता हूँ आज के सेशन में आपने बहुत कुछ सीखा होगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, आपसे अगले सेशन में मुलाकात होगी, खुदा हाफ़िज़।